हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी रेसिपी है गोवन प्रॉन करी। गोवन प्रॉन करी वैसे तो बहुत ही तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि खोपड़े के साथ भी बनाई जा सकती है, पर आज हम न्यू वेरिएशन लाए हैं कोकोनट मिल्क के साथ। उसके लिए हमें चाहिए 25 से 30 प्रॉन्स, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने स्लाइस कट करके रखा है, 100 ml हमने लिया है कोकोनट मिल्क का पाउडर जिसको हमने पानी डाल के उसका लिक्विड बना के रखा है, एक लहसुन का पोर लिया है जिसको हमने कट करके रखा है, और 2 हरी मिर्च लिए जिनको हमने स्लाइस करके रखा है, नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लेमन जूस, 1 बड़ा चम्मच तेल। प्रॉन्स बनाने के लिए हमने लिया है एक कढ़ाई जिसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और लहसुन और हरी मिर्च जो हमने स्लिट करके रखी है। इसको हम अच्छी तरह से पहले फ्राई होने देंगे, लहसुन को अच्छी तरह से पकने देंगे। हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क 100 ml और इसमें 1/2 cup पानी ऐड करके डालेंगे क्योंकि ये जो है थिक कोकोनट मिल्क है। इसको हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। जैसे ही ये बॉयल होगा अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 स्पून धनिया पाउडर। इसमें हमने जो है पहले ही लाल मिर्च भी डाला हुआ है और रेड चिली पाउडर भी डाला है, तो इसीलिए इसमें मिर्ची हमने नहीं डालना है। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा रेड चिली पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ अनियन और अभी हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। ये अच्छी तरह से आप देख सकते हो ग्रेवी अच्छा थिक बन गया है। इसमें हम 1/2 cup पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये थिक ग्रेवी है। अभी ये जैसे ही बॉयल होने लगेगा इसमें हम डालेंगे प्रॉन्स। ये प्रॉन्स को कढ़ी के साथ हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको चाहिए। राइस के साथ सर्व करना है तो आपको लाइट ग्रेवी लगेगा, या चपाती के साथ आप प्रेफर करेंगे तो फिर थोड़ा डार्क ग्रेवी रखना है। आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हो ग्रेवी को। ये देखिए हमारे ये प्रॉन्स अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं और ग्रेवी भी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। ये हमारे बनकर तैयार हैं प्रॉन करी और इनको हम सर्व कर रहे हैं स्टीम राइस के साथ। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।